अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंसूर अहमद है और आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू यूज़ कीपा। तो कीपा एक क्रोम एक्सटेंशन है जो हमें किसी भी प्रोडक्ट का हिस्टोरिकल डाटा शो कराता है ग्राफिकल मेथड वे में। तो हम कोई भी हम रेंडमली यहाँ पर कुछ सर्च कर सकते हैं, अलग से पावर बैंक। तो हम पावर बैंक यहाँ पर सर्च कर लेते हैं और दिस इज़ जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पर कोई भी ओपन कर लेते हैं और हम कीपा को आप हमेशा फाइंड करेंगे बिल्कुल प्रोडक्ट इमेज के नीचे। दिस इज़ वेर यू फाइंड योर कीपा ग्राफ। तो आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो इज़ के कीपा जो है वो 100% होलसेल के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये होलसेल में आपको कीपा बहुत आपके लिए हेल्पफुल है, ये स्पेशली होलसेल के लिए ही बनाया गया है। तो उसकी प्रोडक्ट हंटिंग में या फिर किसी होलसेल के किसी भी डिफरेंट टास्क में आपकी क्या हेल्प आउट करता है। तो लेट फॉर एग्जांपल ये न्यू है, तो ये प्रोडक्ट शो कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो सेलर्स हैं वो या फिर अमेज़ॉन, तो उनकी जो प्राइस है शिपिंग नॉट इंक्लूडेड, ये न्यू वो शो कर रहा है आपको। यूज्ड में प्रोडक्ट्स कुछ सेल हो रही हैं तो इसको आप अनचेक कर सकते हैं, इसकी कोई आपके साथ नहीं है। लिस्टेड प्राइस ये है कि जो लिस्टेड प्राइस थी वो क्या है और उसके बाद कोई डिस्काउंट्स वगैरह हैं तो वो उनके बगैर क्या प्राइस है उसकी। तो ये जो न्यू थर्ड पार्टी FBA, तो ये नॉर्मली जो लोग FBA कर रहे होते हैं वो उनको ये शो कर रहा होता है। तो ये बेसिकली क्या शो कर रहा है कि जो प्राइस हिस्ट्री आपको बता रहा है उसकी, तो मिनिमम प्राइस रेंज यहाँ पर आपको बताएंगे। आपको मतलब यहाँ पर आप टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस किस टाइम का आपको ग्राफ शो हो। तो नॉर्मली 3 मंथ्स के ग्राफ को देखा जाता है, आप ऑल टाइम पे भी कर सकते हैं, ईयर पे भी कर सकते हैं, तो पर नॉर्मली 3 मंथ्स पर किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं कि किस टाइम पे जो इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी। तो ये आपको यहाँ पर चेक कर रहे हैं। फिर आप स्टेटिस्टिक्स में भी देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की प्राइस लोएस्ट कितनी थी, हाईएस्ट कितनी थी, करंट कितनी थी है और भाई एवरेज कितनी रही इसकी प्राइस। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यू जो प्रोडक्ट थी उसकी लोएस्ट प्राइस जो है वो 2974 रही है, करंट जो प्राइस है उसकी 3999 है और जो हाईएस्ट प्राइस थी वो 4199 है। फिर यूज्ड है, तो यूज्ड का आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं है तो आप उनको रिजेक्ट करेंगे। और अगर यहाँ पर अमेज़ॉन भी सेल कर रहा होता तो टॉप पर न्यू के ऊपर आपको अमेज़ॉन शो हो रहा था, अमेज़ॉन की ऑप्शन शो हो रही होती, पर यहाँ पर अमेज़ॉन शो सेल ये प्रोडक्ट नहीं कर रहा तो आपको अमेज़ॉन यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो दिस इज़ हाउ यू हो बेसिकली चेक हिस्टोरिकल डाटा और प्राइस फ्लक्चुएशंस ऑफ विद कीपा ऑफ अ प्रोडक्ट। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हमने आपको इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं जो कि आपके बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस से निकाल कर डिजिटल बिजनेस की दुनिया में ला सकती है और आपके काम को डिजिटलाइज कर सकती है। हम हर तरह की वर्चुअल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, SEO, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजोन सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, फ्रीलांसिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर आपको अपने बिजनेस में किसी किस्म की कंसल्टेंसी या वर्चुअल सर्विस चाहिए तो आज ही रब्ता कीजिए व्हाट्सएप 00971-565-499-494 या ईमेल कीजिए info@thereteofpefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे रब्ता करेगी।